हबकूक अध्याय दो। हबकूक को परमेश्वर का उत्तर। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उलाने के विषय क्या उत्तर दूं। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटरियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पट्टी पड़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा न होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। दाख मधु से धोखा होता है, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता और उसकी लालसा अधोलोक के समान पूरी नहीं होती और मृत्यु के समान उसका पेट नहीं भरता। वह सब जातियों को अपने पास खींच लेता और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठा कर रखता है। दुष्ट का विनाश अवश्य। क्या वे सब उसका दृष्टांत चलाकर और उन पर ताना मार मार कर कहेंगे, हाय उस पर जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है। कब तक? हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है, जो तुझसे कर्ज लेते। क्या वे लोग अचानक न उठेंगे? क्या वे न जागेंगे जो तुझको संकट में डालेंगे? क्या तू उनसे लूटा न जाएगा? तूने बहुत सी जातियों को लूट लिया है, इसलिए अब बचे हुए लोग तुझे भी लूट लेंगे। इसका कारण मनुष्यों की हत्या करना और वह उपद्रव भी जो तूने इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया है। हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान पर बनाकर विपत्ति से बचे। तूने बहुत सी जातियों को काटकर अपने घर के लिए लज्जा की युक्ति बांधी और अपने ही प्राण का दोषी ठहरा है, क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दोहाई देता है, उसके खेत छत की कड़ी उसके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। हाय उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता और कुटिलता करके गढ़ को दृढ़ करता है। देखो, क्या सेनाओं के यहोवा की ओर से यह नहीं होता कि देश देश के लोग परिश्रम तो करते हैं, परंतु वे आग का कोर होते हैं, और राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ही ठहरता है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की उपमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुन्द्र जल से भर जाता है। हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। तू महिमा के बदले अपान ही से भर गया है, तू भी पी और अपने को खतनाहीन प्रकट कर। जो कटोरा यहोवा के दाहिने हाथ में रहता, वह घूम कर तेरी ओर आएगा और तेरा वैभव तेरी छटी से अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि लबालोन में तेरा किया हुआ उपद्रव और वहाँ के पशुओं पर किया हुआ उत्पाद जिनसे वे भयभीत हो गए थे तुझी पर आ पड़ेंगे। यह मनुष्य की हत्या उस उपद्रव के कारण होगा जो इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया गया है। खुदी हुई मूर्त में क्या लाभ देखकर बनाने वालों ने उसे खोदा है? फिर झूठ सिखाने वाली और ढली हुई मूर्ति में क्या लाभ देखकर ढालने वालों ने उस पर इतना भरोसा रखा कि न बोलने वाली और निकम्मी मूर्त बनाए। हाय उस पर जो काठ से कहता है जाग, या अबोल पत्थर से उठ, क्या वह सिखाएगा? देखो, वह सोने चांदी में मड़ा हुआ है, परंतु उसमें आत्मा नहीं। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे।